Hi friends, welcome back to the Pragmatic Lopa. आज मैं आपको ऐसे सुपरफूड के बारे में बताने वाली हूँ जिसके बारे में या तो हेल्थ कॉन्शियस लोग बहुत ही ज्यादा जानते हैं या तो कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं जानते। जो नहीं जानते घबराइए नहीं, आज मैं आप सबको उस अमेजिंग सुपरफूड से इंट्रोड्यूस कराऊंगी जिसका नाम है क्विनोआ। जो लोग नए हैं, जैसे कि कुछ टाइम पहले मैं थी, उसके स्पेलिंग की वजह से क्विनोआ बोलते हैं, पर उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है क्विनोआ। क्विनोआ ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि एक फूड आइटम दूसरे फूड आइटम से क्यों सुपीरियर है। ये आजकल बहुत ही कॉमन है, आपको किसी भी लोकल ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो के एंड तक ये टाइनी माइनी सीड्स आपके ग्रोसरी लिस्ट में ऐड करवाने के लिए कितना आपको कन्विंस कर पाते हैं। लोगों को ये गलतफहमी है कि ये एक ग्रेन है, दरअसल रियलिटी में ये एक सीड है। ये एक तरह से एक सूडो सीरियल है क्योंकि ये ग्रेन किसी ग्रास फैमिली के ना होने के बजाय ये पालक जैसे ग्रीन लीफी फैमिली का सीड है। पर न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस और दूसरे हेल्थ एक्सपर्ट्स के सहूलियत के लिए इसको ग्रेन्स के अंडर ही कंसिडर किया जाता है। हजारों साल पहले लगभग 3 से 4 हजार BC में ये साउथ अमेरिका में इनका सिविलाइजेशन के द्वारा ओरिजिनेट हुआ था। वो इसे मदर ग्रेन के नाम से भी जानते थे। क्विनोआ के हजार से भी ज्यादा वेराइटीज है, पर मेन सिर्फ 3 है, व्हाइट या क्रीम, ब्लैक और रेड। अभी मेरे पास प्योर रेड एंड ब्लैक नहीं है, जो आप यहाँ देख रहे हैं वो इन तीनों का मिक्स है। रेड और ब्लैक में एक अर्दी फ्लेवर होता है, उनके बाहर की कोटिंग थोड़ी हार्ड होने की वजह से पकने के बाद सारे सीड्स अलग रहते हैं, पर ये क्रीम वाले ज्यादा कॉमन है। कुछ इन्हें नटी स्वीट फ्लेवर बताते हैं, पर मुझे तो ये न्यूट्रल लगता है, जो कुक होने के बाद टेक्सचर में काफी अच्छा और फ्लफी होता है। क्विनोआ के बहुत सारे फायदे होने की वजह से ऐसे एक छोटे से वीडियो में सारा कवर नहीं किया जा सकता, इसीलिए अभी मैं सिर्फ उसके कुछ इम्पोर्टेंट हेल्थ बेनिफिट्स बताऊंगी। क्विनोआ एक कंप्लीट प्रोटीन है जिसे टॉप 10 मसल बिल्डिंग फूड में काउंट किया जाता है। सिर्फ यही एक लौता सीड है जिसे कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है, जैसे मीट। अनकॉमन बात है कि ये प्लांट सोर्सेस में सिर्फ यही एक है जिसमें सारे 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं। एसेंशियल से मेरा मतलब ये है कि कुछ एमिनो एसिड्स जो हमारा बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, जिसके वजह से हम बाहर के खाने के सोर्सेस पे डिपेंड करना पड़ता है। एक भरपूर प्रोटीन इंटेक के लिए हमें काफी ग्रेन्स और सब्जियां अलग अलग प्रोपोर्शन में खाना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर चीजों में एक एसेंशियल एमिनो एसिड जैसे लाइसिन की कमी रहती है, पर बाकी ग्रेन्स के मुकाबले क्विनोआ में बेहतर प्रोटीन्स और ज्यादा क्वांटिटी में हैं। वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में बेटर है, इसीलिए ये एक एक्सेलेंट चॉइस होगा दोनों वेजिटेरियंस और वीगन्स के लिए। मीट, फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स का एक बेटर अल्टरनेटिव। एक कप कुक्ड क्विनोआ में 8 ग्राम प्रोटीन होता है, जो काफी ज्यादा है एक अंडा और एक ग्लास दूध के मुकाबले। क्विनोआ में 16% प्रोटीन है राइस के मुकाबले, जिसमें सिर्फ 7% प्रोटीन होता है। इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के कारण ये ब्लड में धीरे से अब्सॉर्ब होता है, जिसके वजह से आप लंबे समय तक फुल रहते हैं। इसलिए आपकी अनचाही क्रेविंग्स पे भी कंट्रोल रहता है, और ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी है, इसीलिए वो हेल्थ कॉन्शियस लोग जिनको वजन घटाना या मेंटेन करना है, उनके लिए ये बेस्ट चॉइस है। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल भी रेगुलेट करता है, इसीलिए ये सेफर चॉइस है उन लोगों के लिए जिनको या तो डायबिटीज है या ज्यादा चांसेस हैं होने के। मेरे जैसे किसी को जिनके फैमिली में ऑलरेडी डायबिटिक्स हैं, उन्हें अपने खाने का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्विनोआ में काफी मात्रा में फाइबर होता है, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ रखता है। फैट लॉस होने के कारण
वेट घटाने में हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम कराने में सहायक है। किन्वा के एक सर्विंग में 5 ग्राम फाइबर होता है, जो एक दिन के फाइबर इंटेक का एक चौथाई है। ये एक स्टोर हाउस है विटामिन्स और मिनरल्स का। विटामिन्स जैसे फोलेट, B1, B2, B3, B6 और विटामिन ई। B2 ब्रेन और मसल सेल्स को ज़्यादा एनर्जी देता है। मिनरल्स जैसे मैंगनीज, मैग्नीशियम, कॉपर, फॉस्फरस, आयरन, जो औरतों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, जिंक, पोटेशियम, सेलेनियम, कैल्शियम, जो मिल्क से भी ज़्यादा है, और सोडियम। मैंगनीज जो एक एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल से बचाता है, बढ़ती उम्र और कैंसर रोकता है, इम्यून सिस्टम को और मजबूत कराता है, लोगों के माइग्रेन और सरदर्द के प्रॉब्लम से भी राहत देता है। कीनुआ में फाइटिक एसिड है, जो इन मिनरल्स को जोड़ के रखता है। इसकी वजह से बॉडी में अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं हो पाते, इसलिए हमेशा कुक करने से पहले उसे पानी में थोड़ी देर के लिए सोक करें। इससे न्यूट्रिएंट्स बॉडी में अच्छे से अब्सॉर्ब होगा। एंटीऑक्सीडेंट्स बीपी कम करने के साथ साथ अन्य कार्डियक बीमारियां भी रोकता है। कीनुआ में सोडियम की मात्रा कम होने के कारण ये उन लोगों के लिए एक एक्सेलेंट चॉइस है जिनको हाई बीपी है या जिनको ज़्यादा रिस्क है होने के। एक कप में 58% मैंगनीज होता है और कई महत्वपूर्ण ट्रेस न्यूट्रिएंट्स हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स जैसे फ्लेवोनॉइड्स, वो प्लांट एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे क्वर्सिटीन और कैम्फरॉल भी भरपूर हैं। इसमें बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व, पॉलीसैकेराइड्स, फिनोलिक एसिड्स एंड सैपोनिन्स हैं। सैपोनिन्स कड़वापन देते हैं, इसीलिए कुक करने से पहले अच्छे से सोक करके धो लें। इससे सैपोनिन्स के साथ साथ वो कड़वापन भी हट जाता है। कुकिंग के बाकी के डिटेल्स किन्वा के दूसरे पार्ट में देख सकते हैं। इसमें बहुत से ज़रूरी और हेल्दी फैटी एसिड्स हैं, जैसे अनसैचुरेटेड फैट्स 80-85%, जिसमें ओमेगा 3, 6 और 9 है। इसके साथ साथ ना कोई कोलेस्ट्रॉल या ट्रांस फैट्स हैं। किन्वा नेचुरली ग्लूटेन फ्री होने के कारण ये एक सेफ चॉइस है उन लोगों के लिए जो ग्लूटेन इंटॉलरेंट हैं। किन्वा व्हाइट राइस का एक बेटर और हेल्दी सब्स्टिट्यूट है, जो हर मामले में उससे बेहतर है। प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स और भरपूर विटामिन्स और मिनरल्स। आप खुद देख सकते हैं किन्वा के इतने अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से अगर आप किन्वा को अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपके हेल्थ में कितना ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। नो मैटर आप किन्वा को किसी भी तरह से खाइए, ध्यान रखिएगा इस न्यूट्रिएंट पैक्ड प्रोटीन रिच सुपरफूड को अपने डाइट में जरूर शामिल कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी लगा होगा जानने के लिए। मैं किन्वा के मेरे नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी आप कितने आसानी से किन्वा को कुक करके यूज कर सकते हैं। टेक केयर, सी यू अगेन।